बड़ी खबर का रुख करेंगे। लूणी नदी में रासायनिक पानी छोड़ने का मामला सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है। हाईकोर्ट ने सरकार सहित सभी को नोटिस देकर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव और न्यायाधीश लक्ष्मण मुनूरी की खंडपीठ के समक्ष सांवल राम की ओर से याचिका दायर हुई थी। राज्य सरकार और अन्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता SS लादरेचा और सज्जन सिंह राठौर को नोटिस दिए। रीको के अधिवक्ता संजीत पुरोहित को भी नोटिस दिया। कोर्ट में मामले की 3 सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी। पूरे मामले पर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चुप्पी साध रखी थी। जिला कलेक्टर रीको अधिकारी क्षेत्रीय प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी मामले पर खामोश। सच बेधड़क ने 29 अक्टूबर को ग्राउंड जीरो से पूरे मामले का खुलासा किया था। सच बेधड़क के खुलासे के बाद बौखलाए CETP ट्रस्ट चेयरमैन रूपचंद सालेचा। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से मिले नोटिस के बाद कुंभकर्णी नींद से प्रदूषण बोर्ड भी जागा। आज प्रदूषण बोर्ड कार्यालय में आनन फानन में मीटिंग बुलाई गई। CETP ट्रस्ट के पदाधिकारियों को जयपुर तलब किया। राजस्थान प्रदूषण बोर्ड लगातार मामले पर लीपापोती का भी प्रयास कर रहा है। वन और पर्यावरण मंत्रालय ने भी चुप्पी साध रखी इस मामले पर, यह भी संदेह के घेरे में। इसके अलावा मंत्री संजय शर्मा भी इस मामले पर चुप हैं। लूणी नदी और अपन के जोजी नदी हमेशा से एक पॉल्यूशन का केंद्र रहा है इंडस्ट्री वालों के। इसी सिलसिले में बालोतरा सिटी के अंदर जो रिको इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे CETP जो जीरो डिस्चार्ज वाला है उसके अंदर से कंटिन्यू 1000 कह सकते हैं केमिकल वाटर कह सकते हैं वो कंटिन्यू लूणी नदी में डाला जा रहा था। उसको लेकर हमने एक माननीय उच्च न्यायालय में PI लगाई। PI के अंदर माननीय उच्च न्यायालय ने इस मैटर को गंभीरता से लेते हुए तथा पूरे लूणी नदी के बचाव करते हुए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वकील साहब, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के वकील साहब तथा जो प्राइवेट CETP है ट्रस्ट वो सभी को नोटिस जारी किए। अतः एक कारण पूछा है कि लूणी नदी क्या एक केमिकल वाटर्स या हजार इंफ्लुएंस डालने का क्या एक घर बन गया? क्या लूणी नदी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि जितना भी वो वेस्टेज होता है उसी में डाल दिया जाए? 3 सप्ताह बाद कोर्ट ने मैटर वापस रखा है तथा कोर्ट ने बहुत ही सीरियस तरीका है कि इस तरीके की चीजें नदी को बर्बाद नहीं की। अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ जितेंद्र डूडी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, जिस तरीके से लूणी नदी में रासायनिक पानी छोड़ने का खेल लंबे समय से चला रहा है, कई बार आवाजें भी उठी हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाया। इस बार कहीं ना कहीं सच बेधड़क की टीम की जो मेहनत वहां पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई वो रंग ला रही है। बिल्कुल मनीषा, निश्चित रूप से सच बेधड़क की मुहिम रंग लाई और इसको देखते हुए कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट ने जो है 3 सप्ताह के अंदर नोटिस देकर जवाब मांगा है और इस पूरे मामले को जो गंभीरता से लिया है। मुख्य न्यायाधीश MN श्रीवास्तव और न्यायाधीश लक्ष्मण मुनियरू की खंडपीठ ने ये जो है आदेश जारी किए हैं और 3 सप्ताह में जवाब अब प्रस्तुत करना होगा। इस पूरे मामले को लेकर अब 3 सप्ताह के बाद जो जवाब प्रस्तुत होगा उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी मनीष, अब देखिए क्योंकि इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट भी सख्त है, जवाब भी मांगा गया है, तो वहां के लोगों में अब थोड़ी राहत होगी, उम्मीद होगी कि हाँ अब जो लंबे समय से वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं उसका अंत होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों को भी काफी असुविधा हो रही थी और इसको लेकर के एक PIL भी दाखिल हुई थी और उसको लेकर के जो है पूरे लोग इस प्रदूषित पानी को लेकर काफी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस हाईकोर्ट के नोटिस के बाद और जो जवाब प्रस्तुत होंगे उसके बाद राहत आम लोगों को निश्चित रूप से मिलने वाली है। चलिए जितेंद्र, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो हाईकोर्ट की ओर से नोटिस देकर 3 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। रीको के अधिवक्ता संजीत पुरोहित को भी नोटिस दिया गया।